Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing revisions in EVS and we have started a revision of chapter 7. The name of the chapter is Places of Worship. Children, in my previous videos I have explained you the chapter. I have revised the chapter for you. And in my previous video, I have given it in a table form, the major religions, four major religions of India, their place of worship, their God, what do we call their prayers, their pilgrimage site, their holy books. All this I have revised in the previous video. If you have not seen that, please see that, please watch that video so that you can have a quick summary of the chapter. Pure chapter ka ek quick summary ke liye ek bar aap pichla video dekhiye so that things will be revised. I have started an exercise in my previous video, that is choose the correct option, and in that we have done five choose the correct option हमने किए थे. सो वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज इन टूडेज वीडियो. दो आई विल स्टार्ट विथ वन बट इट विल बी चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली. द एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली. फाइव वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो एंड नाउ विल स्टार्ट सम मोर चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आज की वीडियो में मैं चैप्टर नहीं रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी उसको रिवाइज कर चुके हैं. हम तो रिवीजन कर ही रहे थे. मैंने आपको चैप्टर रिवाइज भी करवा दिया है, उसको टेबल के फॉर्म में आप सम अप भी कर दिया है. तो आप उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी. तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से. ठीक है, तो आप इसे देखिए एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक. अपने चाहे तो अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं सो दैट यू कैन हैव एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिविजन. ठीक है, चलिए तो लेट मी राइट द नेम ऑफ द एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. Choose the correct options. Okay, so the first one is the holy book of Muslims is the होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज. मुस्लिम लोगों का जो होली बुक है, जो पवित्र बुक है, वो कौन सा है. तो आपको मैं ऑप्शंस दूंगी. आई विल गिव यू थ्री ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बाइबल. इज इट द होली बुक? लेट मी राइट ऑल द थ्री ऑप्शंस. देन option B is Quran and option C is Ramayan. The holy book of Muslims is Bible, Quran or Ramayan. It is Quran. Very good. Quran is the holy book of Muslims. Next, the holy book of Sikhs is. Now you have to choose the holy book of Sikh. सिख लोगों का जो पवित्र बुक है, पवित्र जो सेक्रेट बुक है, उसको क्या कहते हैं. ऑप्शंस हैं गीता,
ऑप्शन ए इज गीता, ऑप्शन बी इज वेदास एंड ऑप्शन सी इज गुरु ग्रंथ साहिब, होली बुक ऑफ सिख। सिख लोगों का जो होली बुक है वो इन तीनों में से कौन सा है, गीता है, कुरान वेद है या कि गुरु ग्रंथ साहिब है। एंड द करेक्ट आंसर इज यस गुरु ग्रंथ साहिब। वेरी गुड, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख। सिख लोगों का जो होली बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, नेक्स्ट दी होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस The holy book of Christians is, अब आपको क्या बताना है, the holy book of Christians, Christian लोगों का holy book कौन सा होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास महाभारत, बी है बाइबल और सी है कुरान। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज महाभारत, बाइबल और कुरान। आंसर इज बाइबल। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन लोगों का जो होली बुक है वो है बाइबल। ठीक है, चलिए इसको अभी रेस करते हैं। अभी और करना है, हमें बहुत सारा करना है। नेक्स्ट इज नंबर फोर, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख इज, जो सिख लोग हैं, सिख लोगों का जो फर्स्ट गुरु जो है वो कौन थे, कौन है, मतलब पहले गुरु कौन है, सिख लोगों के पहले गुरु का क्या नाम है, आपको वो अब चूज करना है। तो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूं। पहला ऑप्शन है गुरु राम दास, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव एंड थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक देव। ओके, हु इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, सिख लोगों के पहले गुरु कौन है इनमें से, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। चिल्ड्रन द करेक्ट आंसर इज गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, सिख लोगों के पहले गुरु जो है वो कौन है, गुरु नानक देव है। हाउ मेनी
gurus are there in Sikhism? Sikhism में सिख लोगों के या ऐसा बोले हाउ मेनी गुरुज आर देयर ऑफ सिख, अगर मैं ऐसे लिखूं तो हाउ मेनी गुरुज आर देयर ऑफ सिख, सिख लोगों के टोटल कितने गुरुज हैं? आपको मैंने बताया था, उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, कितने गुरु हैं सिख लोगों के। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन है 10, 8 और थर्ड है 5। हाउ मेनी गुरुज आर देयर ऑफ सिख, सिख लोगों के कितने गुरुज हैं? 10, देयर आर 10 सिख गुरु, सिख लोगों के 10 गुरुज हैं, उनके नाम मैंने बताए थे। Next is, who is the last guru of Sikhs? Who is the last guru of Sikh? जो सिख लोग हैं उनके लास्ट गुरु कौन थे? फर्स्ट गुरु तो गुरु नानक देव थे, उनके आखिर वाले जो गुरु थे, लास्ट गुरु थे, जिनको कि हम 10th गुरु बोल सकते हैं, तो सिखों के 10th गुरु कौन थे? ऑप्शंस, चलिए ऑप्शंस दे देते हैं आपको। ए है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरदेव या सी गुरु रामदास। Who is the last guru of Sikh? Guru Gobind Singh, Guru Hardev ya Guru Ramdas? Sikhon ke aakhri guru kaun hai? Sikh logon ke jo 10th guru hai, wo bahut hi famous hai, jinka naam hai Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh jinke bahaduri ke bahut sari stories bhi hai. To Guru Gobind Singh jo hai wo Sikhon ke 10th guru the, aakhri guru the. Theek hai? चलिए अभी और करना है हमें, ये जो हमने की फर्स्ट सिक्स गुरु थे आपको वो आ गया होगा, अब आगे हम पढ़ते हैं 7th, तो इसको पहले इरेज करते हैं। 7th है the place of worship for Christians is, the place of worship for Christians or of Christians, both are correct. The place of worship for Christians is, Christian लोग जहां prayer करने जाते हैं उनके place of worship को क्या कहते हैं? Christians के place of worship को क्या कहा जाता है?
ऑप्शंस में आपको आपके लिए लिख दे रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आपको पता है कि क्रिश्चियंस के प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या कहते हैं। चलिए फिर भी ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है मस्जिद या मॉस्क। मॉस्क। बी है टेम्पल और सी है चर्च। द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस इज मॉस्क, टेम्पल और चर्च। तीनों में से कौन सा? चर्च। यस, चर्च इज द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस। ठीक है, नेक्स्ट। मुस्लिम्स प्रे टू ए जीसस, जीसस क्राइस्ट, बी इज लॉर्ड, लॉर्ड बुद्धा एंड सी इज अल्लाह। मुस्लिम्स प्रे टू जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा और अल्लाह। मुस्लिम लोग किसको किसको प्रे करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, पूजा नहीं, आई मीन मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो किसकी प्रेयर करते हैं? किसकी प्रेयर करते हैं? अल्लाह। दे प्रे टू अल्लाह। मुस्लिम लोग किसको प्रे करते हैं? अल्लाह को। नंबर नाइन में हम कर रहे हैं चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे चैप्टर को के कंटेंट को चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में आपको मैं करवाने वाली हूँ। तो जितना भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के, वो सारा हम चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में कर रहे हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें इसमें लिखी हुई है वो, उसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है वो भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले हम चैप्टर के कंटेंट को कर लेते हैं। चैप्टर का जो कंटेंट है उसको पहले हम चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूरा कर लेते हैं। तो मुस्लिम प्रे टू अल्लाह। देन इज नंबर नाइन इज हाउ मेनी टाइम्स मुस्लिम्स ऑफर। नमाज। हाउ मेनी टाइम्स मुस्लिम्स ऑफर नमाज। मुस्लिम लोग कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कितनी बार? हो सकता है कि सारे मुस्लिम्स नहीं करते हूँ, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम्स, मतलब एज पर देयर कुरान, एज पर देयर रिलीजियस बिलीव्स, हाउ मेनी टाइम्स डू दे ऑफर नमाज। अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से, अपने जो कुरान के जो टीचिंग्स के हिसाब से, मुस्लिम लोग कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? कितनी बार पढ़ते हैं? ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ। ऑप्शंस है 7, ऑप्शन बी है 3 एंड ऑप्शन सी है 5। ठीक है, सेवन, थ्री और फाइव। हाउ मेनी टाइम्स मुस्लिम पीपल दे ऑफर नमाज। चिल्ड्रन, मुस्लिम्स ऑफर नमाज 5 times a day। मुस्लिम लोग जो है 5 times जो है वो नमाज पढ़ते हैं, मैक्सिमम 5 times a day। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक
Christians go to church for prayer. On which day of the week Christians go to church for prayer? मतलब ऐसे तो प्रेयर आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो, आप घर में कर सकते हो, प्रेयर का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, उनके रिचुअल्स और रूल्स के हिसाब से कुछ रिलीजन्स में पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन दे मस्ट गो, दे शुड गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्शिप. इन सम रिलीजन्स देयर इज अ फिक्स्ड डे इन द वीक. कुछ रिलीजन में वीक का कोई पर्टिकुलर डे है जिस दिन उन्हें अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना होता है प्रेयर के लिए. मतलब इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू विजिट देयर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो वीक का कौन सा ऐसा डे है, वीक के कौन से ऐसे डे में क्रिश्चियंस लोगों को अपने प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना कंपल्सरी होता है? एक तरह से कंपल्सरी वर्ड मैं यूज कर रही हूँ. इट्स नॉट कि अगर आप नहीं जा पाए तो कोई पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है. अगर क्रिश्चियन लोग उस दिन नहीं जा पाए उस जगह पर, मतलब अपने प्लेस ऑफ वर्शिप दैट इज चर्च, अगर क्रिश्चियन लोग उस दिन, उस पर्टिकुलर डे अगर चर्च नहीं जा पाए तो ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन देयर इज अ फिक्स्ड डे ऑफ अ वीक जिस दिन की उनको जाना चाहिए, जिस दिन की वो जाते ही हैं. तो वो कौन सा डे है, कौन सा डे है? ऑप्शंस हैं ट्यूसडे, पहला है ट्यूसडे, दूसरा है संडे और तीसरा है वेडनेसडे. कौन से डे जाते हैं? संडे. यस, ऑन संडे. संडे के दिन क्रिश्चियंस जो होते हैं, क्रिश्चियन पीपल जो होते हैं, वो लोग जाते हैं संडे को अपने चर्च में जाते हैं फॉर प्रेयर. ठीक है, संडे इज द फिक्स्ड डे ऑफ द वीक. किसी और दिन जाए या ना जाए, संडे को दे गो टू चर्च. ठीक है, नेक्स्ट इज, जैसे ये इसी तरह से है जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है कि वीक का हर डे किसी न किसी गॉड से रिलेटेड है. लाइक मंडे इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिव, ट्यूसडे इज रिलेटेड टू लॉर्ड हनुमान, वेनसडे इज रिलेटेड टू लॉर्ड गणेशा, थर्सडे इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, फ्राइडे इज रिलेटेड टू गॉडेस, ऑल द गॉडेसेस. Then Saturday is related Friday, okay. Saturday is related to Shani Dev, and then Sunday is related to God Sun. तो वैसे ही बाकी रिलीजन में, जैसे कि Christians में Sunday is for visit to church. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेंथ, ऑन विच डे ऑफ द वीक मुस्लिम्स विजिट मॉस्क to offer namaz.
अब आपको बताना है कि वीक के कौन से डे में मुस्लिम लोग जो होते हैं मुस्लिम द पीपल हु बिलीव इन इस्लाम दे विजिट मॉस्क टू ऑफर नमाज. वैसे तो घर में वो नमाज पढ़ते ही हैं. कुछ लोग जो है वो डेली मॉस्क जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कुछ लोग घर पे ही 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं. लेकिन वीक का एक पर्टिकुलर डे है, उस दिन मैक्सिमम मुस्लिम लोग जाते हैं मॉस्क में नमाज पढ़ने के लिए. वो बाकी दिन जाए या ना जाए लेकिन उस पर्टिकुलर डे में वो जरूर जाते हैं. तो विच डे ऑफ दैट ऑफ द वीक इज ऑन विच द मुस्लिम्स विजिट टू मॉस्क टू ऑफर नमाज. तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं क्या है. ऑप्शंस हैं मंडे, फ्राइडे, सैटरडे. कौन सा डे है जिस दिन की मैक्सिमम मुस्लिम लोग जो है वो मॉस्क जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए. एंड दैट डे इज फ्राइडे. यस, फ्राइडे को मैक्सिमम मुस्लिम लोग मॉस्क में जाकर नमाज पढ़ते हैं. डेली तो पढ़ते ही हैं पर फ्राइडे के लिए स्पेशली दे गो टू मॉस्क एंड दे कॉल दिस डे एज जुम्मा. उसको फ्राइडे को वो कौन सा डे बोलते हैं, जुम्मा बोलते हैं. जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज बोलते हैं उसको. वो स्पेशल नमाज होती है एंड दे कॉल इट जुम्मे की नमाज. और वैसे भी हर जो रिलीजन है और वो अपने हिसाब से उन्होंने डेज के नाम भी हैं. जैसे जैसे हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में भी अलग दिन के अलग अलग नाम है. रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड शनिवार. ऐसे ही उर्दू में भी इस्लाम में भी उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, विच आई एम नॉट वेरी मच श्योर, जो मुझे ठीक से नहीं पता है. लेकिन फ्राइडे इज कॉल्ड जुमा, थर्सडे इज कॉल्ड जुमेरात, सैटरडे इज कॉल्ड शनिचर एंड संडे इज कॉल्ड इतवार. बाकी का मुझे ठीक से पता नहीं है बट एवरी रिलीजन हैव देयर वे ऑफ नेमिंग द डेज ऑफ वीक. तो ये है जुम्मा का दिन होता है जिस दिन की स्पेशल नमाज ऑफर की जाती है मॉस्क में. मॉस्क में जाकर नमाज पढ़ी जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं देन हमारा है एक और बाइबल हैज द टीचिंग्स ऑफ अब जो होली बुक है क्रिश्चियंस पीपल की बाइबल, उसमें किसकी टीचिंग्स है. बाइबल्स हैज द टीचिंग्स ऑफ, मैं आपको ऑप्शन भी दे रही हूं उसमें टीचिंग्स किसकी है. ऑप्शन है जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव और ऑप्शन सी है महावीर. बाइबल में किसकी टीचिंग्स है, जीसस क्राइस्ट की है, गुरु नानक देव की है या भगवान महावीर की है, तीर्थंकर महावीर की, किसकी टीचिंग्स है बाइबल में. तो ये भी बहुत इजी है. बाइबल में किसकी टीचिंग होगी, जीसस क्राइस्ट. बाइबल हैज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का टीचिंग है बाइबल में. गुरु नानक देव का टीचिंग्स गुरु ग्रंथ साहिब में है और महावीर जो है वो जैन जो रिलीजन है उसके फाउंडर है. तो उनका इसे बाइबल से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो हमने जो है आज जो है चैप्टर को चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में पढ़ा.
आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और अभी हम इस चैप्टर का अभी और एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे, बट नॉट इन टूडेज वीडियो, आज की वीडियो में नहीं करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आप इसको रिवाइज कीजिएगा और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।